कोस्टल एरिया के वो बीजेडी का गढ़ कहा जाता है पर इस वक्त जब मैं कोस्टल एरियाज के अंदर केंद्रपाड़ा जाजपुर इन सब एरियाज के अंदर ट्रैवल कर रहा था तो जब मैंने कैमरे को ऑफ किया और लोगों से बात करी तो लोग जो है पहले एक डेढ़ मिनट तो बीजेडी बीजेडी कहते हैं पर आग उसके बाद जब उनसे और बात करते हैं तो कहते हैं कि भाई मोदी को लाना है अगर कम वोटिंग का मतलब होता है कि जो भी गवर्नमेंट है उसी को लाना ठीक होता है तो अगर ज़्यादा वोटिंग का मतलब डिपेंड करता है पर यह ज़रूर आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सब वोटर्स निकलें और पिछली बार से ज़्यादा हुआ है मतलब वोटर्स कोई मोटिवेशन के लिए तो ये कॉमन

तो इसीलिए अगर आप मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी पंद्रह बीस दस पंद्रह सीट मेजोरिटी से कम भी होती है असेंबली की बात करो बीस सीट भी कम होती है तो ऐसा ना ऐसा भी हो सकता है कि कई बीजेडी के लोग जो हैं वो पांडियन जी की लीडरशिप को एक्सेप्ट करने के जाए बीजेपी के अंदर आ जाए अगर उड़ीसा में बीजेडी को हार का सामना करना पड़ता है तो उसका सिर्फ एक कार और एक कारण पांड्या एक इंपॉर्टेंट कारण जो होंगे वो पांड्यन जी रहेंगे ऐसे जनता बोलती है क्योंकि वो हमेशा से एक बैकरूम प्लेयर थे स्ट्रैटेजिक एडवाइजर थे नवीन पटनायक जी को तब तक चल रहा था पर जैसे ही कि वो पिछले कुछ महीने में फील्ड पे निकले उनका एक काफी विरोध देखने को मिला है बिकॉज वो लोग कह रहे हैं कि, कि किसी को नहीं पता था जनता के बीच में कि ये भाई नवीन पटनायक के रा, राइट हैंड है या नवीन पटनायक से बहुत क्लोज है अब जब वो जनता के बीच में जा रहे हैं पांड्य जी तो अपार्ट फ्रॉम उनके जो मेन एरियाज हैं बाकी एरियाज के अंदर उन लोगों का एक मन उनके तरफ नहीं बन पा रहा है तो अगर बीजेडी की सरकार नहीं बनती है उड़ीसा के अंदर असेंबली में तो सिर्फ एक ही व्यक्ति को ब्लेम करना होगा वो है पांड्य जी तो एक चीज़ मैं आपको आपके दर्शकों के माध्यम से उड़ीसा की जनता को कहना चाहता हूँ कि जब मैंने उड़ीसा की जनता को से ट्रैवल पर बातचीत करी तो मुझे किसी ने भी अलग से होके कोई युवा ने नवीन पटनायक को बीजेडी की बात नहीं की पिछले दो सालों में पहले ऐसा कर रहे थे पर अभी नहीं किया ये मैं आपको बताना चाहता हूँ तो नमस्कार चतुर्थ पर्याय निर्वाचन शेष हो सारी छी, अर्थात ओडिशा प्रथम पर्याय चारिटी लोकसभा क्षेत्र सारी छी, सारा देश सौ इक्यासी आसन

बिजू जनता दल आ ना ओडिसा रे सत्ता परिवर्तन होचिए प्रसंग रे आमे तांका सहित तो विस्तृत भाबरे कथा हाबा प्रदीप जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है और धन्यवाद शशि जी, जी मेरे को आपके शो पे आमंत्रित करने के लिए जी आप उड़ीसा के तो आ, कई इलाकों में घूम के आए हैं जी तो अभी उड़ीसा वासियों का मूड क्या है देखिए मेरी पूरी टीम उड़ीसा के अंदर काम कर रही है वेस्टर्न उड़ीसा से लेके कोस्टल कोस्टल बेल्ट से लेके साउथ सदर्न बेल्ट के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि उड़ीसा में इस वक्त लोगों के अंदर एक बहुत सेंटिमेंट अगर अगर कहें मैं एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के हिसाब से जून एक तक आप पोल के रिलीज नहीं कर सकते उसकी बात नहीं कर सकते मेरा आकलन कहता है कि उड़ीसा के अंदर लोकसभा में नरेंद्र मोदी का बहुत सॉलिड सेंटिमेंट है ग्राउंड जीरो पे और असेंबली में भी अब आप मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगी पिछली बार आप जब आए थे मोदी का हवा नहीं सुनामी चलने वाला है उड़ीसा में जी तो मैंने कहा था पिछली बार की आठ सीट्स अगर मैं गलत नहीं हूँ बीजेपी की 2019 में आई थी और जब मैंने शब्द सुनामी का वेव का प्रयोग किया था मैं कह रहा हूँ कि आप अचंभित मत हो जाइएगा कि जो नतीजे होंगे 2024 के वो 2019 के उलट नतीजे होंगे अगर 19 के अंदर बीजेपी की चार चौदह सीटें आई थी और बीजेपी की राउंड आई थी अगर गलत अराउंड टोटल एक सीटें और इस बार तु, 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 लेके सीट बीजेडी ट्वेल्व सीट बीजेडी लेके आई थी और आठ सीट से लेके आई थी और कांग्रेस इस बार बीजेपी बीजेडी ने जो दो में किया था उससे भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है अगर हम देखेंगे तो जो वेब है मोदी जी के या बीजेपी का जो वेब है वो किस इलाके में ज्यादा है वो कोस्टल एरिया में है वेस्टर्न उड़ीसा में कहा जाता है कि कोस्टल एरिया बीजेडी का गढ़ कहा जाता है पर इस वक्त जब मैं कोस्टल एरियाज के अंदर केंद्रपाड़ा जाजपुर इन सब एरियाज के अंदर ट्रैवल कर रहा था तो जब मैंने कैमरे को ऑफ किया और लोगों से बात करी तो लोग जो है पहले एक मिनट तो बीजेडी बीजेडी कहते हैं पर उसके बाद जब इनसे और बात करते हैं तो कहते हैं कि भाई मोदी को लाना है और तीन कारण है उसके पहले से लोगों को लगता है कि देश का मान सम्मान बढ़ा है दूसरा ये जो कोविड काल के अंदर जो राशन पहुंचाए लोगों तक वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और ये बहुत पॉजिटिव रहा है और साथ में तीसरी बात ये है कि एक बार वो ये भी देखते हैं कि बिजड़ी जो है वो सत्ता के अंदर केंद्र के अंदर उनका प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है तो उनने 20 साल तक 20 से 25 साल तक ऑलरेडी बीजेडी को असेंबली और लोकसभा में मौका दिया है तो इस बार लोकसभा के अंदर वो नरेंद्र मोदी जी को मौका देना चाहते हैं असेंबली में भी जहाँ जहाँ बीजेपी के कैंडिडेट्स अच्छे हैं उनको वोट्स अच्छे खासे मिल रहे हैं बाहर तो ये पता नहीं चल रहा है कि वोटर के मन में क्या चल रहा है मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं आज वोटर के मन में क्या चल रहा है मैं आज बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ और आप भी एक बात को देख रहे होंगे कि मेरे देखिए चुनाव नवीन पटनायक और बीजेपी का नहीं है चुनाव पांड्यन जी लड़ रहे हैं और जन जनता के अंदर धीरे धीरे मैसेज जा रहा है कि नवीन पटनायक के जैसे पांड्यन जी मैदान के अंदर आने आ चुके हैं और पांड्यन जी जो है उनका खुद का बहुत बड़ा पॉजिटिव वोट जमीन पर देखकर जो है वो लाने के लिए उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है सो so, पहली बात तो ये है दूसरी बात आपको ये देखनी होगी कि नवीन पटनायक का पर्सनली जब भी पॉजिटिव एक समय में काफ़ी पॉजिटिव रहा करता था बट अभी जो है जो नवीन पटनायक का पहले जादू चलता था वो उस लेवल का जादू नहीं चल रहा है जो आपको याद होगा कि सौ से ज़्यादा सीट बिजड़ी पिछली बार लेके आया था वो लेवल का जादू उस वो चलते हुए नहीं दिख रहा है तीसरी बात यह है कि जब जनता से आप बात करते फॉर एग्जाम्पल आज हम लोग सुबह खाना खाने गए थे तो वहाँ पर हमने मैंने रेस्टोरेंट के जो सर्व करते हैं उनसे बात की क्या लग रहा है तुमको बीजेपी की बीजेडी तो उन्होंने कुछ नहीं बोलूंगा मैं शांत रहूंगा बीजेडी वाले, वाले थे। तो मैं समझ गया कि भाई सामने सामने तो आपको बोलेंगे, बोलेंगे। पर अंदर अंदर लोगों के दिल में इस बार थोड़ा सा चेंज का सेंटीमेंट है अब वो वोटिंग पे ट्रांसलेट होगा कि नहीं होगा मैं देखना होगा फेज वन के अंदर जो पहला फेज है वो बीजेपी के लिए अच्छा गया एक्चुअली क्या है कि बीजेडी का जो वोट खींचने का जो पूरा सिंगल पर्सन टू पर्सन उसे कैसे मैनेज exactly. करना है तो ये सब चीजें जो है वोटिंग के समय आपको समझ में आ, आ, समझ में आएगी तो और वो इस बार काम काम नहीं करेगा देखिए अभी तो फिर एक ही फेज का इलेक्शन हुआ है उड़ीसा के अंदर हु. तो उसमें बीजेपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है अब बाकी के फेजेस के अंदर वो मशीनरी काम करेगी कि नहीं करेगी हमें देखना होगा लोकसभा में वो काम करने का और कंपैरेटिवली मुश्किल है क्योंकि आप देखेंगे कि बीजेपी ने भी इस बार अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए टीम कुछ गुजरात से नेता है कुछ यूपी से नेता है कुछ अक्रॉ से नेता है और उन्हें भी अपनी एडमिन की टीम पूरी सेटअप करी है कि एक उनका भी इलेक्शन मैनेजमेंट बेटर हो भूपेंद्र यादव खुद जो काफ़ी जनरल सीनियर बीजेपी जनरल सेक्रेटरी हैं ये वो भी खुद यहाँ पे डटे हुए हैं पिछले एक महीने से तो मुझे लगता है कि बीजेपी भी अपने ऑर्गेनाइजेशन को कई सही मज़बूत तरीके से चुनाव को लड़ पाएगी लोकसभा वाइज लोगों के मन में भले वो पुरुष हो या युवा हो या महिला है उनके दिल में एक बात है कि मोदी को मौका देना है और ये सेंटिमेंट बहुत सॉलिड सेंटिमेंट है जो दूसरे राज्यों से ज़्यादा सेंटिमेंट है इसीलिए मुझे लगता है लगता नहीं मेरी ये समझ कहती है राजनीतिक समझ कहती है कि बीजेपी इस बार लोकसभा में तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेगी और असेंबली में भी अपनी सीटें बढ़ाएगी ज़्यादा वोटिंग टर्न आउट अगर देखेंगे तो ये जो पहला फेज उड़ीसा में हुआ चार लोकसभा सीट के लिए तो ये पिछली बार से 2019 से ज्यादा हुआ है एग्जैक्टली exactly. तो अगर देखिए एक चीज लॉजिक समझते हैं अगर कम वोटिंग का मतलब होता है कि जो भी गवर्नमेंट है उसी को लाना ठीक होता है तो अगर ज्यादा वोटिंग का मतलब डिपेंड करता है पर ये जरूर आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सब वोटर्स निकले और पिछली बार से ज्यादा हुआ है तो मतलब वोटर्स कोई मोटिवेशन के लिए निकलें तो ये कॉमन सेंस कहती है कि भाई इतना तो कोई वोटर्स में मोटिवेशन नहीं है कि नहीं बट कि वापस से बीजेडी को सरकार के अंदर लाना है ना बीजेडी जो है वो लोकसभा के अंदर जीतने वाली है तो लोगों के अंदर वो मोटिवेशन क्यों है क्योंकि शायद उड़ीसा जो है वो मोटिवेशन के नरेंद्र मोदी को मौका देना चाह रहे इसी कारण चार सीट्स में से आ, अगर हम देखेंगे तो पिछली बार एक कांग्रेस एक बीजेपी और दो बीजू जनता दल कंप्लीटली चेंज हो जाएगा ओके फेज वन का कंप्लीटली चेंज हो जाएगा हम सीटों के नाम और कितनी सीट आएगी नहीं कह सकता इसी की गाइडलाइंस के हिसाब से फिर तो हमारा फेज़ का एग्जिट पोल हो गया तो मैं आपको जरूर कह सकता हूँ कि बीजेपी बहुत अच्छी पोजीशन में फेज के अंदर और उड़ीसा के अंदर आप जैसे पिछली बार बता रहे थे कि कांग्रेस का नाम और निशान मिट जाएगा वो एग्जिटेंस की खतरे में है खतरे में और उस बात पे मैं सहमत हूँ कि कांग्रेस पार्टी नंबर तीन की पार्टी बनने वाली है और स्ट्रगल करेगी अपने वोट शेयर को लाने के लिए मुस्लिम एरियाज के अंदर या जहा मुस्लिम पॉकेट्स हैं वहाँ पे उसको वोट्स मिल जाएगा बट अपार्ट फ्रॉम दट ओनली प्लेसेज जहा पे उसका कैन

जी जाजपुर के अंदर भी कई जगह पे कुछ वोड़, मुस्लिम वोट कांग्रेस को पड़ेगा लोकसभा कि लोकसभा को वोट करके मिलेगा क्या डाल दें बीजेडी ना इंडिया की पार्टनर हो तो इसीलिए उसको या तो मोदी को जिताना है ओवरऑल जनता को या कुछ जनता को मोदी को मान ली एंटी वोट करना है सो वो एंटी की तरफ जाएगा अभी बीजेडी का जो वोट है वो लोकसभा में इतना होता है लार्जेस्ट ऑफ थिंस में तो इसीलिए वोटर उसके बारे में दो बार सोचा है लेकिन केंद्रापड़ा हो या जाजपुर बीजेडी का गढ़ माना जाता है देखिए अगर पिछली बार मैं गलत नहीं हूँ तो बीजेडी केंद्रपाड़ा डेढ़ लाख की मार्जिन से जीती थी नॉट इस बार इवन केन्द्रपाड़ा के अंदर मैं पर्सनली था और मेरे को लग रहा था कि जब मैं केंद्रापाड़ा जाऊंगा तो एक एक तरफा बीजेडी का सेंटिमेंट मिलेगा वहां पे केंद्रापाड़ा के अंदर भी बीजेपी जो है उसके लोग मोदी की बात कर रहे हैं तो अगर बीजेपी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ठीक ठाक रख पाती है तो फिर बीजेपी काफी मतलब बीजेपी केंद्रपा के अंदर भी अपनी स्थिति को इम्प्रूव करेगी देखिए वेस्टर्न उड़ीसा बीजेपी बहुत सॉलिड सिचुएशन में नियर टू स्वीप सिचुएशन के अंदर है संबलपुर और इन सभी इलाकों के अंदर कोस्टल बेल्ट्स के अंदर बीजेपी देखने की बात यही है और उसके बाद मैं आपको आश्वासन के साथ कह सकता हूं कि अंदर लोगों के करंट अगर वोटिंग फ्री और फेयर होती है और अगर वोटिंग के वक्त में बीजेडी से ज्यादा बेटर बीजेपी का मैनेजमेंट होता है पोलिंग बूथ मैनेजमेंट तो आप देखेंगे कि लोकसभा वाइज में एक स्ट्रांग करंट नरेंद्र मोदी का देखने को मिलेगा प्रदीप जी जैसे एक आ, मुद्दा बना हुआ है नवीन पटनायक जो प्रेसिडेंट है चीफ मिनिस्टर है लेकिन ये कहा जाता है कि पांड्यान सब कुछ है बीजेडी का पार्टी चला रहा है सरकार को चला रहा है वो वो एक मुद्दा बना हुआ है लेकिन लोगों के पास ये मुद्दा जो विरोधियों भीरो, ने उछाला है तो ये पहुंच रहा है लोगों के पास ने पहुंचना शुरू हुआ है देखिए एक चीज समझिए कि पांडेन जी का खुद का कोई वोट नहीं है नहीं। वो नवीन पटनायक जी का वोट है तो जितना नवीन पटनायक जी के नाम पे भी होगा उतना ही बीजेडी को वोट मिलेगा अब एक कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई क्योंकि इतना एक्सेसिवली कंट्रोल्ड है जैसे कि आपने बताया कई जर्नलिस्ट कहते हैं कि पांडियन जी द्वारा काफी ज्यादा ही इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द बीजेडी तो उसके कारण कई जो बीजेडी के खुद के लीडर्स और वर्कर्स हैं उनके अंदर एक कम्प्लीट सेंटिमेंट ऑफ यूनिटी नहीं है जैसा पिछली बार देखने को मिला था तो इसीलिए अगर आप मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी पंद्रह बीस दस पंद्रह सीट मेजोरिटी से कम भी होती है असेंबली की बात करो बीस सीट भी कम होती है तो ऐसा ना ऐसा भी हो सकता है कि कई बीजेडी के लोग जो हैं वो पांडियन जी की लीडरशिप को एक्सेप्ट करने के जाए बीजेपी के अंदर आ जाए ऐसा हो सकता है हो सकता है पॉलिटिक्स इज अ पॉलिटिक्स इज अ

उस तरीके से कैंपेन नहीं कर रहे जिस तरीके से पाँच साल पहले किया कर रहे थे तो पूरा दारोमदार जो है वो पांडियन जी के ऊपर है अब वो देखना दिलचस्प होगा कि क्या पांडियन जी इसको कन्वर्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे और क्या वो अपनी बीजेडी पार्टी को साथ ले जा पाएंगे कि ले जा पाएंगे क्योंकि उनपे अटैक बीजेपी के काफ़ी ज्यादा सॉल्ट सॉलिड सॉलिड है पर मैं एक चीज़ समझी मैंने हिस्टोरिकली इलेक्शंस के अंदर देखा है कि जो वोट गेटर होता है जैसे मान लीजिए इस केस में नवीन पटनायक पहले जेल रहता थी अगर उनका कोई करीबी होता है वो मैदान के अंदर उतरता है तो वोट गेटर उस स्थिति के अंदर नहीं बन पाता तो पांडियन जी बैक रूम बॉय स्ट्रैटेजिक एडवाइजिंग पॉलिटिकल एडवाइजिंग कर सकते हैं पर अगर वो खुद अपने आप अगर मैदान के अंदर उतरेंगे और अपने नाम पर वोट मांगेंगे तो चैलेंज हो जाएगा उड़िया जनता का कोई रिलेशन नहीं उडिया, नन उडिया ये लोगों को रहा है उड़िया है इतना बड़ा भी इशू नहीं है पर बड़ी बात यही है कि लोकसभा वाइज में तो लोग बिल्कुल भी बीजेपी को कम देख रहे हैं जहां जहां उसका बेस वोट है वहीं पे उसको फायदा हो रहा है बट अपार्ट फ्रॉम दैट असेंबली की मैं बात करूंगा तो असेंबली में कैंडिडेट बेस्ड का कैंडिडेट बेस्ड इलेक्शन है बट ओवरऑल असेंबली में बीजेपी को मैं पिछली बार से बेहतर करते हुए देख रहा हूँ मोर देन ट्वाइस

अगर हम देखेंगे तो जो पहला फेज का यहाँ पर उड़ीसा में चुनाव हुआ तो आदिवासी इलाका नवरंगपुर वहां ज्यादा वोटर्स टर्न आउट हुआ है एक चीज मैं यही कह रहा हूं जितने ग्रामीण इलाकों के अंदर आप जाएंगे एक और मैं आपको ट्रेंड बताना चाहता हूं भी आप इससे अपना कंक्लूजन खुद ड्रॉ कर सकते हैं कि जितने ग्रामीण इलाकों के अंदर जाएंगे उन सभी जितने ज्यादा ग्रामीण इलाके की महिलाओं के उसमें जाएंगे तो ज्यादा नरेंद्र मोदी जी का सेंटिमेंट देखने को मिलेगा पहले कहा जाता था कि भाई भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण बड़ी और अर्बन सेंट्रिक पार्टी है आज की तारीख में वो सर समाज और रूरल सेंटर, रूरल फर्स्ट अर्बन रूरल अर्बन कंजिक्यूटिवली जाने वाली बात है उस तरीके की पार्टी होगी विच मीस कि वहां पे एक समय में आप सोशल रिप्रेजेंटेशन भी दे रहे हो गरीबों को और गरीबों के साथ में आप ये भी इंश्योर कर रहे हो कि आपकी पार्टी के अंदर भी सोशल रिप्रेजेंटेशन मिले साथ में आप बाकी कास्ट को भी लेकर जाने का प्रयास पूरी तरीके से कर रहे हो सो so, ओवरऑल अगर मैं आपको कहना चाहूंगा तो इस बार जो स्थिति है एवरी स्टेट जो है वो हमेशा एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट से डबू करते हैं और उड़ीसा का ये पहला पॉइंट है पहले एक चर्चा रहा लोगों के बीच के बीजेडी बीजेपी में गठबंधन होने जा रहा है लेकिन उसके बाद फिर इलेक्शन शुरू हुआ और साफ कर दिया गया बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई बात नहीं और फिर आक्रामक मुद्रा में आए प्रधानमंत्री जब यहाँ पर प्रचार के मैदान में उतरे और अमित शाह जी से लेकर जेपी नड्डा तमाम बड़े लीडर्स जो बाहर से आ रहे हैं वो पूरा आक्रामक मुद्रा से प्रधानमंत्री जी ने तो बोल दिया कि जून को बीजेडी का एक्सपायरी डेट है है तो ये जो जो आक्रामक अटैक बीजेडी को पूरा सीधा पांडियन को सीधा अटैक डायरेक्ट टू डायरेक्ट ये, ये ये इसका इंपैक्ट क्या देख रहे हैं जितना ज्यादा बीजेपी पांडियन को अटैक करेगी उतना उसको फायदा होगा जितना ज्यादा बीजेपी पर्सनली या किसी स्थिति में नवीन पटनायक को अटैक करेगी तो उनको एक चैलेंज होगा पर नवीन पटनायक इज नॉट द नवीन पटनायक और टू थाउजेंड नाइनटीन उनकी हेल्थ और रिटोरिएट कर है। तो ये आपको समझने की जरूरत है और ऐसे सिनेरियो के अंदर जब जनता आपसे मिलना चाहती है ऑन रेगुलर बेसिस वो आपके लिए डिफिकल्ट होता है और जब आप जनता से कट जाते हैं जनता से दूर हो जाते हैं तो फिर वहीं से आपकी राजनीतिक जर्नी चेंज हो जाती है आप जो है जनता से कट हो जाते हैं तो आप नीचे चले जाते हैं जो जनता के बीच में रहता है तीन सौ प्लस ले जाता है तो इसीलिए अभी देश के अंदर लोग एक और चीज मैं आपको बताऊंगा नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो देश के और ग्लोबली इतिहास के पहले प्रधानमंत्री होंगे कि पहली बार जिसने एंटी इनकमेंसी के ट्रेंड को प्रो कन्वर्ट किया जिसने नंबर ये इंश्योर करा कि बेसलाइन इंडियन देखना होगा प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या उनका डेज ऑफ एक्शन पॉइंट होगा okay. अगर बात करेंगे तो उड़ीसा में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है अगर परिवर्तन की तरफ जा रहा चेंज उड़ीसा लोकसभा में चेंज मुद्दा है

ओवरऑल आपको एक पॉइंट पॉइंट समझना पड़ेगा और ये एक एक है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी का चेहरा है इंडिया के पास कोई चेहरा नहीं है नहीं। तो एक ऐसे इलेक्शंस के अंदर जहां पे चेहरा नहीं होता और एक तरफ चेहरा होता है जनरली वोटर चेहरे को सपोर्ट uh, करता है और जब वो वोटर चेहरे को सपोर्ट करता है तो उसका एक रिपल इफेक्ट असेंबली के अंदर भी हो जाता है प्रोवाइडेड असेंबली का लीडर दूसरी पार्टी का वीक है पिछली बार नवीन पटनायक वॉज नॉट वीक इसीलिए वो कन्वर्ट नहीं हो पाया था बीजेपी का आठ सीट्स असेंबली इलेक्शंस के अंदर जितनी आनी चाहिए थी इस बार जो उनका स्ट्रॉन्ग लीडर उनके स्ट्रॉन्ग लीडर नवीन पटनायक उनकी हेल्थ पिछली बार जैसी नहीं रही है प्रदीप जी एक जैसे आप महिलाओं के बारे में बता रहे थे कि बीजू जनता दल का वो वोट बैंक है लेकिन बीजेपी के जो मैनिफेस्टो में दो स्कीम्स लाए हैं एक तो प्याडी का एमएसपी एस पर रुपए कर देंगे जैसे छत्तीसगढ़ में बोले थे जी वो उनके जीत छत्तीसगढ़ में जीत में वो बहुत बड़ा फैक्टर था फैक्टर था और जो दूसरी बात वो महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना ला रहे हैं दो साल में पचास हजार रुपए तक का भावचर उन्हें देंगे हर महिला को देंगे तो आपको क्या लगता है इसमें बीजेडी का महिला वोट तो बैंक में टूटेगा और देखिए एक की बीजेडी की के लोकसभा बीजेडी का बीजेडी जीत पाएगी जहां उसको ऑर्गेनाइजेशन मशीनरी सब जो है एक तरफा उसकी साथ में मदद करें तभी वो जीत पाएगी अदरवाइज करंट जो है वो बीजेपी के पक्ष का करंट है अब आ जाते हैं असेंबली लेवल के बाद देखिए असेंबली लेवल के ऊपर एक बात मैं स्पष्ट हूं एक बात पे मैं कंप्लीटली क्लियर हूं कि इफ वोट इज ऑन नवीन पटनायक देन द बीजेडी विल विन द इलेक्शन कंफर्टेबली बट इफ दी वोट इज ऑन नवीन पटनायक एंड पांडियन मतलब अगर वोट जो है सिर्फ नवीन पटनायक को देख के वोट होगा तो असेंबली में नवीन पटनायक एक तरफा जीतेंगे पर अगर वोट नवीन पटनायक और पांडियन को देख के वोटर करेगा तो हो सकता है कि एक उलटफेर हो जाए या बीजेपी अपनी सीट्स बढ़ा दे क्योंकि जैसा मैं कह रहा हूँ कि देश उड़ीसा का बच्चा बच्चा पांडियन जी से रिलेट नहीं करता सिर्फ नवीन पटनायक से रिलेट करता है तो अगर वो पांडियन जी को आगे प्रमोट कर रहे हैं तो उससे उनकी पार्टी को नुकसान ही होने वाला है क्योंकि जो भी रीजनल पार्टीज ने ऐसा किया है हिस्टो अगर आप देश भर में देख लेंगे उनको इसी चीज़ का सामना करना पड़े अगर उड़ीसा में बीजेडी को हार का सामना करना पड़ता है तो उसका सिर्फ एक और एक कारण पांड्यान जी ये सिर्फ एक नहीं पर एक फॉमन एक इम्पॉर्टेंट कारण जो होंगे वो पांडेन जी रहेंगे ऐसे जनता बोलती है क्योंकि वो हमेशा से एक बैक रूम प्लेयर थे स्ट्रैटेजिक एडवाइजर थे नवीन पटनायक जी को तब तक चल रहा था पर जैसे ही कि वो पिछले कुछ महीने में फील्ड पे निकले हुँ. उनका एक काफी विरोध देखने को मिला बिकॉज वो लोग कह रहे हैं कि, कि किसी को कोई पता था जनता के बीच में कि ये भाई नवीन पटनायक के रा, रा, राइट हैंड है या नवीन पटनायक से बहुत क्लोज है अब जब वो जनता के बीच में जा रहे हैं पांड्य जी तो अपार्ट फ्रॉम उनके जो मेन एरियाज है बाकी एरियाज के अंदर उन आ, लोगों का एक मन उनके तरफ नहीं बन पा रहा है तो अगर बीजेडी की सरकार नहीं बनती है उड़ीसा के अंदर असेंबली में तो सिर्फ एक ही व्यक्ति को ब्लेम करना होगा, वो है पांडेन जी तो फांडियन इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज फॉर बीजू जनता अभी की तारीख में यस अगर कल को कुछ को चीज कुछ बाकी कुछ अच्छा कर लेंगे तो फिर इनकी रेटिंग में बेहतर हो जाएगा रेटिंग ऐसे कंटेंट के तरीके से आप दे रहे हो उस पर से मैटर नहीं करती बहुत अलग फैक्टर्स पर भी मैटर करती है अगर हम देखेंगे कौन सा प्रदेश ऐसा होगा जहाँ बीजेपी के लिए पूरा सरप्राइज रिजल्ट आने वाला है सरप्राइज में डिपेंड करता है कि आप किसको सरप्राइज मांगते हैं मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि उत्तर प्रदेश उड़ीसा बंगाल और इसके साथ में तमिलनाडु, तेलंगाना ये चार स्टेट्स हैं जो बीजेपी को बहुत सॉलिडली कंट्रीब्यूट करेंगे जहाँ से नुकसान आ सकता है वो हरियाणा से आ सकता है राजस्थान से आ सकता है और ये दोनों से आ सकता है और थोड़ा माइनर एक दो सीट का बिहार से आ सकता है इसके अलावा कोई और नुकसान मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा है अगर नुकसान और फायदे का अगर हम कंपैरिजन करेंगे इक्वेशन बैठाएंगे तो क्या रहेगा बीजेपी और बीजेडी के बीच में नहीं 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 पूरे देश में बीजेपी पूरे का... पूरे देश में सिर्फ देखिए लोगों के मन मैं में मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि एक चीज है कि लोग कभी भी कंफ्यूजन को वोट करते हुए नहीं देखते हैं नहीं। तो एक तरफ लोग को नरेंद्र मोदी देख रहे हैं दूसरी तरफ उनको एक लीडर नहीं दिख रहा है इसीलिए कांग्रेस पार्टी जितने भी गारंटीज दे रही है वो क्यों नहीं एक्सेप्ट हो पा रही है कि बोले भाई मोदी को नहीं वोट करेंगे तो किसको वोट करेंगे बताओ और कई जितने ग्रामीण इलाके के लोग बोलते भाई मोदी ने घर दिया तो मोदी को क्यों नहीं वोट करू मोदी ने बिजली दिया मोदी को क्यों नहीं वोट करू तो ये सब चीजें हैं जिसके कारण अक्रॉस uh, नरेंद्र मोदी का सेंटिमेंट बहुत सॉलिड है असेंबली लेवल के उसपे क्योंकि स्थानीय मुद्दे होते हैं स्थानीय चीज़ें होती हैं तो उसके लिए मल्टीपल अदर फैक्टर्स काम हैं नहीं नहीं मैं जानना चाहता हूँ प्रदेश ऐसे हैं जो पिछले बार में बीजेपी वहां कुछ सीट खोने वाली है और कुछ ऐसे हरियाणा हरियाणा राजस्थान ये दो राज्य हैं जहाँ पे बीजेपी पिछली बार से ज्यादा हरियाणा राजस्थान कर्नाटक कर्नाटका बिहार बिहार में इतना नुकसान नहीं होगा हरियाणा राजस्थान कर्नाटक का और ये तीन राज्य हैं जिसमें भारतीय जनता मैं वही बात बोला है। वो जो नुकसान और फायदा उसके बीच में वो अगर देख देखिए फायदा ज्यादा है नुकसान कम है अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें बढ़ रही है, तो ऐसा नहीं एक दो सीटें बढ़ रही कम से कम पांच छह सीट बढ़ रही है अगर उड़ीसा के अंदर बीजेपी की सीट बढ़ रही तो ऐसा नहीं एक दो सीट बढ़ रही है कम से कम पांच से छह सीट बढ़ रही है अगर बंगाल में बीजेपी की सीट बढ़ रही है तो उसके पक्ष में सेंटिमेंट है ममता बनर्जी जैसी स्ट्रॉग सबसे स्ट्रूड नेता को हराया जा सकता है तो वहां पर एक अगर आप कहेंगे सेंटीमेंट

रायबरेली की सीट पे ट्रैक कर रहे हैं मतलब साफ है कि स्मृति ने अमेठी के अंदर काम किया दूसरा नरेंद्र मोदी की हवा जो है वो ज़मीन पे कायम है अदरवाइज राहुल गांधी जैसे व्यक्ति जो कई बार वाइट शर्ट के अंदर बूटे प्रॉपरली ट्रेस्ड आए हुए वो क्यों एकदम से अपनी लाइन को बदलेंगे तो मुझे लगता है कि इन सबको सेंस हो रहा है कि बीजेपी जो है एक सीट भी नहीं आने वाली तो जित पहले से ज्यादा अभी बदल लो एक चीज मैं आपको आपके दर्शकों के माध्यम से उड़ीसा की जनता को कहना चाहता हूँ कि तो मुझे किसी ने भी अलग से होके कोई युवा ने नवीन पटनायक को बीजेडी की बात नहीं की पिछले दो सालों में पहले ऐसा कर रहे थे तो बहुत बड़ा फैक्टर है। जी बहुत बड़ा फैक्टर बहुत बहुत धन्यवाद बहुत, बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति जी और आपके थ्रू उड़ीसा की जनता के साथ में बात करने का मौका मिला बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया स्वतंत्र साक्षात्कार को जदि आप भल लगा तेब चेल्क लाइक, सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी तो नहीं